नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज और आपके साथ मैं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के अहम खबरों के साथ। इंदौर में चल रही है इंडियन टेलीविजन अवार्ड की तैयारियां। 10 नवंबर को नेहरू स्टेडियम में होगा आयोजन। कॉमेडी शो के मुख्य कपिल शर्मा सहित अन्य सितारे करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में पहली बार इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये समारोह आगामी 10 नवंबर को नेहरू स्टेडियम इंदौर में होगा। कार्यक्रम की तैयारियां प्रारंभ हो गई। मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में टेलीविजन जगत के लगभग 400 कलाकार भाग लेंगे। इंडियन टेलीविजन एकेडमी मुंबई के अध्यक्ष सुश्री अनुरंजन ने आज संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव और आयुक्त नगर निगम श्री आशीष सिंह से भेंट कर उन्हें आयोजन की रूपरेखा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस प्रतिष्ठापूर्ण कार्यक्रम से मध्य प्रदेश की टेलीविजन जगत में पहचान बनेगी और यहां शूटिंग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि कार्यक्रम में विख्यात कॉमेडियन कपिल शर्मा सहित उनकी पूरी टीम एंकरिंग करेगी। कार्यक्रम के आयोजन के लिए तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम में एक विशाल मंच बनाया जा रहा है। मंच में खजुराहो और सांची के स्तूप सहित मध्य प्रदेश की पहचान मानी जाने वाली कलाकृतियों का प्रतिरूप दर्शाया जा रहा है। हाय फ्रेंड्स, आई एम शुभांगी आत्रे, योर ओन फेवरेट अंगूरी भाभी। सही पकड़े हैं। वॉच मी परफॉर्म लाइव ऑन 19th आईटा अवार्ड्स इन इंदौर एट नेहरू स्टेडियम ऑन 10th ऑफ नवंबर 2019। सो सी यू गाइस देयर। टाटा। मध्य प्रदेश पुलिस राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता वर्ष 2019 का समापन विशेष पुलिस महानिदेशक श्री विजय यादव के मुख्य आतिथ्य में REPTC इंदौर में किया गया। इस अवसर पर निशानेबाज जवानों ने आकर्षक मार्च पास भी किया। APTC मैदान पर विगत दिवस बड़ा भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य पुलिस की निशानेबाजी प्रतियोगिता में विजयी जवान और अन्य निशानेबाज भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर जवानों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। जिन लोगों ने नाम प्राप्त नहीं किया है उन्हें भी बहुत शानदार तरीके से प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शानदार बधाई। इसके बाद मुख्य अतिथि ने सभी विजयी पुलिस जवानों और अधिकारियों को पुरस्कृत किया। इसके पश्चात अपने संबोधन में विशेष पुलिस बल के DG विजय यादव ने सभी जवानों को शुभकामना देते हुए संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात पर भी सवाल खड़े कर दिए कि पुलिस के जवान और अधिकारी निशानेबाजी पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसका नतीजा कई बार उन्हें जान जोखिम में डालकर उठाना पड़ता है। मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान जब पुलिस टीम ने आतंकियों का सामना किया तो वह आतंकियों के सामने एक तरह से कमजोर नजर आ रहे थे। लगभग 10 वर्ष पूर्व एक आतंकी हमला मुंबई में हुआ था, उसके वीडियो क्लिप्स मैंने देखे। उस वीडियो क्लिप्स को देखकर सबसे पहले मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि जिला पुलिस या जो कश्ती दल या जो स्टैटिक पॉइंट ड्यूटीज पे पुलिस कर्मचारी थे, थोड़ा बहुत भी मस्केटरी निशानेबाजी का अभ्यास कर लेते तो एक बड़ी घटना को पहले रोक सकते थे। मैंने उन वीडियोस का अध्ययन करके जाना, इसलिए मैं इस निशानेबाजी प्रतियोगिता को पुलिस के व्यावसायिक जीवन की दक्षता बढ़ाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मानता हूँ। कार्यक्रम के बाद समारोह के मामले में जानकारी देते हुए कमांडेंट यांग चेन ने बताया कि इस स्पर्धा में 14 टीमों ने भाग लिया था। निशानेबाजी स्पर्धा 29 नवंबर से आरंभ की गई थी, जिसका समापन हो गया है। ओवरऑल चैंपियन रहे एंड रनर अप रहे हमारे जो जबलपुर के SAF जोन है, वो रनर अप रहे। जो पिछली साल मतलब 2017 में जब हमने लास्ट कंपटीशन यहाँ पे करवाया था, तब चैंपियनशिप जो रहे थे वो अभी इस बार रनर अप रहे हैं। और अच्छा प्रदर्शन रहा, BSF के रेंज में हमने शूटिंग करवाई थी और बढ़िया रहा। सब ने अच्छा पार्टिसिपेशन किया, सबका योगदान बहुत अच्छा रहा, मीडिया का भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा, अच्छा कवरेज मिली हमको और हम
अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, होप करेंगे और विश करेंगे कि जो ये बिहार में नेशनल लेवल शूटिंग कॉम्पिटिशन हो रही है 11 तारीख नवंबर को, उसमें हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, इसकी हम बेस्ट विशेष अभी से देते हैं। मैडम, जो ये स्पर्धा हुई है इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की ताकत का एहसास हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियाँ भी नजर आई है, तो क्या कमजोरी? जैसे हमारे चीफ गेस्ट ने आज बताया है, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हमको बहुत ही कम टाइम मिलता है कुछ लॉ एंड ऑर्डर और यू नो लॉ एंड ऑर्डर संबंधित चीज़ों को से टाइम निकाल के कुछ और करने का। और शूटिंग एक ऐसा यू नो एक कॉम्पिटिशन है जिसमें यू नो प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और रेगुलरिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और जो हम नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन की। भोपाल की एक अदालत ने मोनिका के पिता की अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराने को लेकर दायर अर्जी आज खारिज कर दी है। ये अर्जी प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ज्योति राठौर की अदालत में लगाई गई थी। अदालत के समक्ष एसआईटी के अधिवक्ता ने दलील दी कि हाई प्रोफाइल आरोपी पक्ष धनबल और बाहुबल से मोनिका के पिता पर दबाव बना रहा है। विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर आरोपी पक्ष को लाभ पहुंचाने के षड्यंत्र के फलस्वरूप पिता के बयान दर्ज कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अदालत ने एसआईटी की दलीलों को सुनने के बाद मोनिका के पिता का आवेदन खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मोनिका के पिता और अन्य की शिकायती आवेदन पर इंदौर की पलासिया पुलिस ने मानव तस्करी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। हनी ट्रैप के आरोपी मोनिका के पिता की ओर से पृथक से दर्ज इस प्रकरण से आरोपियों पर शिकंजा कड़ा हो गया था। विश्वसनीय सूत्रों ने दावा किया कि मोनिका के पिता को आरोपी पक्ष के अधिवक्ता कुछ कथित पत्रकारों के माध्यम से मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मोनिका के पिता के अदालत के समक्ष बयान कराने की योजना थी। भाजपा द्वारा बिजली के बिल जलाने का आंदोलन किए जाने के पहले कांग्रेस ने भाजपा के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी पोल खोल दी है। कांग्रेस ने ऐसे सबूत जारी किए हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि भाजपा के दिग्गज नेता गरीबों की योजना का लाभ उठा रहे हैं। भाजपा द्वारा 4 नवंबर को बिजली के बिल कम नहीं करने के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन उसके पहले कांग्रेस नेताओं ने भाजपा के बड़े नेताओं के बिजली के बिल निकालकर कांग्रेस की ही योजना का लाभ लेने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, पार्षद टीनू जैन सहित कई पार्षद इस योजना का लाभ ले रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल, प्रवक्ता गिरीश जोशी ने सप्रमाण आरोप लगाते हुए 4 नवंबर के आंदोलन के पहले ही भाजपा के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खंडेलवाल व गुप्ता ने वर्तमान सरकार की योजना इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ लेने का आरोप कैलाश विजयवर्गीय व उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय सहित कई नेताओं पर इस योजना का लाभ लेने का आरोप लगाया है। मैंने माननीय कमलनाथ जी को भी कल मेल करा है, माननीय दीपक बाबरिया जी को भी संबंध में सूचना दे दी है मैंने, और माननीय प्रियव्रत जी से को भी मैंने जानकारी दे दी है। अब आप निश्चित रूप से मानिए कि मैंने मांग करी है नरवाल जी से, जो इंदौर के CMD है मध्य प्रदेश पश्चिमी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के, कि उस जोन के AE और JE दोनों को तत्काल निलंबित किया जाए। कि क्यों ऐसा कारण बन रहा है कि विगत 6 माह से उनके बिजली के बिल 0 रीडिंग के आ रहे हैं, जबकि एक आम उपभोक्ता, हमारा एक आम मतदाता, जो 1000 रुपये का बिजली का बिल भी होता है तो उसकी विद्युत लाइट काट दी जाती है, तो इनकी लाइट आज तक क्यों नहीं कटी? तो मेरी मांग है मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रियव्रत जी से, कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के घर के मीटर के बिजली के बिल की जांच की जाए, और जो भी आर्थिक दंड होता है और जो भी दंड होता है उन पे किया जाए। थाना हाथोद क्षेत्र में हुए कॉलोनाइजर हत्याकांड के मामले में फरार शूटर अर्जुन ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को इस मामले में जानकारी देते हुए SSP रुचिवर्धन मिश्र ने बताया कि आरोपी के बारे में सूचना मिली थी, इस पर उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। बदनावर तहसील ग्राम भैसोला पेटलावद रोड ग्राम खाकरोड़ा की माही नदी में एक वृद्ध की लाश मिली है। लाश की पहचान ग्राम चोटिया बालोद तहसील के राम रतन पाटीदार पिता गोगाजी के रूप में हुई है। वह 3 दिन से गुमशुदा था। दसई चौकी पर इसकी रिपोर्ट दर्ज की। मानसिक रूप से वह परेशान था। उसकी जेब में पैसे भी निकले, एक गोली निकली, गले पर निशान पाया गया, वहीं कमर पर 2 10 किलो वजन के पत्थर निकले। राजद प्रतिनिधि कन्हैयालाल नायमा के प्रयास से लाश की शिनाख्त की गई। इसमें बदनावर तहसील SDOP TI का अहम योगदान रहा। थाना किशनगंज पुलिस एक ऐसे शातिर नकबजन को हिरासत में लिया है जिसने अब तक 1 दर्जन से अधिक कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने फिलहाल 8 लाख का माल बरामद। उक्त मामले में जानकारी देते हुए SSP रुचिवर्धन मिश्र ने बताया कि आरोपी का नाम पिंटू पिता रिचू निवासी टांडा जिला धार बताया जा रहा है।
आरोपी ने अब तक 5 वारदातें करना कबूल की है। आरोपी के खिलाफ लूट डकैती के कई अपराध पंजीबद्ध है। इसका एक साथी तूल सिंह पिता भोर सिंह भील फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसपी वेस्ट के निर्देशन में एडिशनल एसपी महू और एसडीओपी महू की टीम ने थाना किशनगंज प्रभारी के जो टीम है उसमें उसके नेतृत्व में एक ऐसे शातिर नकबजन को पकड़ने में सफलता पाई है जो बागटांडा धार का निवासी है और वर्ष 2018 और 19 में उसने देहात के क्षेत्रों में विशेषकर सब डिवीज़न महू के क्षेत्रों में नकबजनी की कई वारदातें की थी। इसका नाम पिंटू, पिता रिच्छू भंवर, जाति भील समाज, उम्र लगभग 25 वर्ष है और ये गडरावद ग्राम थाना टांडा जिला धार का रहने वाला है। इसमें काफ़ी समय से जो नकबजनी की कुछ घटनाएं थी उसके संबंध में एडिशनल एसपी महू ने अपने नेतृत्व में एक टीम लगा रखी थी जिसमें बड़े गोपनीय तरीके से इस नकबजन के बारे में सूचना मिलने पर उसके लिए कुछ जो इस क्षेत्र का स्थानीय वेशभूषा होती है उस वेशभूषा में स्टाफ को लगा रखा था और काफ़ी प्रयासों के बाद में इस बदमाश को पकड़ा है, जिससे 5 वारदातों का खुलासा हुआ है। इसमें अपराध क्रमांक 447/18, 99/19, 122/19, 204/19 और 392/19 ये 5 वारदातें वर्ष 2018 और 19 की बरामद हुई हैं, जिससे लगभग 8 लाख रुपए का मशरूता जिसमें सोने चांदी के जेवरात सम्मिलित हैं ये बरामद हुए हैं। उक्त कार्रवाई में किशनगंज टीआई करणी सिंह शक्तावत, उनकी टीम के उप निरीक्षक तिलक कारुले, आर एस तिवारी, बन सिंह जावरा, आरक्षक धन्नालाल, मुन्नालाल, प्रेमचंद तोमर, महेंद्र आदि का सराहनीय सहयोग रहा। बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देख रहे हैं दोपहर। हर तरह की मानसिक और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के महान मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित साइकोथेरेपी अब इंदौर में। साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, एक दवा रहित समाधान। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी। मानसिक तनाव, काम में मन नहीं लगना, उदासी, अनिद्रा, अत्यधिक विचार, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी, अचानक तेज घबराहट, शंका या अजीब व्यवहार, बच्चों में सभी तरह की मानसिक, व्यावहारिक और पढ़ाई संबंधी समस्याएं, लर्निंग डिसेबिलिटी, स्लो लर्निंग, याददाश्त और एकाग्रता में कमी, नशा, मानसिक दौरा, हिस्टीरिया, कोई एक विचार या व्यवहार बार बार करना, लोगों से बात करने में दिक्कत महसूस करना, गंभीर शारीरिक बीमारियों की चिंता, मनोदैहिक समस्याएं, आत्महत्या के विचार आना, प्रेम और वैवाहिक समस्याएं, लंबे समय से साइकेट्रिक दवाइयों का सेवन। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रसित है तो एक दवा रहित समाधान द्वारा इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। परामर्श के लिए संपर्क करें डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, समर्थ साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेंटर, पता पहली मंजिल हेरिटेज बिल्डिंग, हुकुमचंद घटा घर के सामने, MG रोड, इंदौर। मोबाइल नंबर 9300-9100-36, 8269-4297-37। पूर्व समय लेकर आए। क्या आप झाइया, काले दाग, दाग खाज, खुजली और अन्य चर्म रोगों या फिर कमर, घुटना, एड़ी और नसों के असहनीय दर्द से परेशान हैं? तो आपकी सभी परेशानियों का हल है डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक। जी हाँ, यहाँ आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक पद्धति से योग्य और अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर इंदूरकर क्लिनिक, पता जेल रोड, शॉप नंबर 4, नूतन स्कूल के पास, गणेश मंडल के सामने, इंदौर। मोबाइल 9981106104। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का, तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को PSC में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रसारित दोपहर न्यूज चैनल में सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, खरीदना बेचना, शुभकामना संदेश, जन्मदिन बधाई, धार्मिक आयोजन सहित अन्य विज्ञापनों के लिए तुरंत संपर्क करें। 888-9300-73। बुलेटिन में अब रुख करते हैं अन्य शहरों से जुड़ी खबरों की।
सावर तहसील की कायस सुखेड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच पति इंदर से परेशान होकर ग्रामीणों ने थाने पर शिकायत दर्ज करवाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच पति आए दिन अभद्र व्यवहार कर दादागिरी करते हैं। सरपंच पति की अभद्रता का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सबसे पहले देखिए इस वीडियो को, जिसमें सरपंच पति सरेआम नागरिकों से कह रहे हैं कि वे किसी के बलबूते पर नहीं बल्कि नोट देकर वोट प्राप्त कर जीते हैं। उन्होंने चुनाव में वोटरों को पैसा दिया है, जिसके बदले में उन्हें वोट मिले हैं, इसलिए वे वही करेंगे जो उनका मन करता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच पति काम करने का बोलने पर दादागिरी करता है, यहाँ तक कि महिलाओं को भी गंदी गंदी गालियां देता है। पूरा गाँव उससे परेशान है। गांव का मुख्य मार्ग पूरी तरह जर्जर हो रहा है और बीच गांव में सड़क झील की तरह भरी रहती है, जिसे सही कराने की बात को लेकर ग्रामीणों से विवाद हुआ। इसी बात की शिकायत को लेकर ग्रामीण थाने पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। ठीक है, आप बताइए, बाकी लोग चुप रहे हैं। है ना, वो बोल रहे थे, बोले कि तुमको किसने सरपंच बनाया, तो बोले कि गांव वाले ने, तो गांव वाले पंच ने बनाया, तो बोले तुम ये इधर का कर रहे हो, तो बोले इधर का क्यों नहीं करा, तो बोले हमारा बोले ऐसा नंगा नंगी गाली कर रहा, गलत करने लगा वो। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, नागरिकों से आवेदन लेकर उस पर विचार किया जा रहा है। इधर सरपंच पति से जब संपर्क करने का प्रयास किया तो वे उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन एक बात स्पष्ट हो रही है कि सरपंच पति रुपए बांटकर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। ये मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार से प्रेरित दिखाई दे रहा है, जिस पर जिला प्रशासन को निर्णय लेना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने वाला है एवं ईद मिलादुन्नबी के जुलूस शांतिप्रिय तरीके से निकले, इसी उद्देश्य को लेकर देपालपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक एसडीएम प्रतुल सिन्हा, एसडीओपी राम कुमार राय, थाना प्रभारी गोपाल परमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नागरिकों ने सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का आश्वासन भी मौजूद अधिकारियों को दिया। इस अवसर पर एसडीओपी राम कुमार राय ने अति संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग पर नगर परिषद अध्यक्ष चंद्रजीत पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस जन सहयोग एवं नगर परिषद के सहयोग से शीघ्र ही नगर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। शहर काजी नोसेमिया, नगर सुरक्षा समिति के थाना संयोजक रमेश चंद्र राठौर, अजय जैन, प्रेस क्लब अध्यक्ष दिलीप यादव, डॉक्टर मनन्ना, पार्षद मजीद खान, करामत खान, अजीज भाई, फारूक मंसूर यादी मौजूद थे। दो बिंदु थे उसमें चर्चा में, एक तो जो 10 तारीख को आने वाले समय में मिलादुन्नबी का त्यौहार आ रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने उसकी रूपरेखा समझी और उसके क्या व्यवस्थाएं किया जाना है उसके संबंध में चर्चाएं की गई। दूसरा था कि अयोध्या प्रकरण को लेकर के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, उसमें संभावित रूप से फैसला आने वाला है, तो जो भी फैसला आना है उसका कोई रिएक्शन, उसका कोई रेफरगेशन, उसका कोई न हो, सब लोग अमन चैन से रहें, भाईचारे से रहें, भाईचारा बना रहे, इसको लेकर के इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। और हमारे पुलिस विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है, अमन चैन किसी भी हालत में कायम रखा जाएगा, जो भी व्यक्ति इसको भंग करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई लिए जाने का हम लोगों ने प्लान किया है। प्रस्ताव दिया है कुछ कैमरे वगैरह लगाना है कहीं, तो उस संबंध में हमारी माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात हो गई है और जो कुछ हमारे नज़र में और कुछ नगर पालिका की नज़र में जो संवेदनशील स्थान है उसको हम अतिशीघ्र सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहे हैं, तो अब नगर पालिका की तरफ से लगाए गए हैं और रखरखाव भी नगर पालिका की एजेंसी ही करती है, रखरखाव पुलिस विभाग करेगा उसके, क्योंकि जो एजेंसी लगाती है उसी के पास उसका रखरखाव और मेंटेनेंस का भी रहता है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि इंदौर में नगर निगम की तरफ से जो भी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं उसके रखरखाव भी नगर निगम करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए।